आज आपको मिलवाते हैं सात निभाना साथिया की गोपी बहू यानी जिया मलिक से। उन्होंने हमसे बात की और बताया कि अपने आप को वो मेंटेन कैसे करती हैं, उनका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है और अपने प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कैसे करती हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अपने अभिनय से हर घर में हर दिल में उन्होंने राज किया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिया मानिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? वेरी गुड, हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छा हूँ जिया, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। तो सबसे पहले, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो मैं आप फिटनेस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। एक सितारे जब हम लोग देखते हैं, उनको स्क्रीन पर देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, तो हम लोग उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस उनको फॉलो करते हैं, आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। कैसे अपने आप को फिट रखती हैं ताकि जो है लोग आपको फॉलो कर सकें फिटनेस के उसमें भी? एक्चुअली मैं ये सबसे पहले तो लोगों को कहूँगी कि ब्लाइंडली अपने फेवरेट स्टार्स को फॉलो ना करें, बिकॉज़ जो चीज़ किसी को सूट करती है नॉट नेसेसरी वो आपको सूट करे। आपको अपना आपके लिए, आपके बॉडी के लिए क्या सूट करता है, आपके हेल्थ के लिए आपको क्या सूट करता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद। हैविंग सेड दैट, फॉर माई हेल्थ मैंने भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई की है, बट फाइनली आई हैव रियलाइज्ड कि आई एम नॉट समबडी जो जिम में जाके वेट्स उठाएगी, वो मुझसे नहीं होता है। एंड ऑल्सो आई फील आई हैव रियलाइज्ड माई सेल्फ, और काफ़ी लोगों ने भी मुझे बोला है कि मुझे ज़रूरत नहीं है वेट्स उठाने की, आई कैन जस्ट डू बेसिक, थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ा सा मैंने योगा कर लिया या थोड़ा सा मैंने रनिंग कर लिया, या मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे हैं तो वो लोग बैडमिंटन ये सब खेलते रहते हैं, समटाइम्स आई जस्ट गो एंड जॉइन देम, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू नो फिजिकल एक्टिविटी। सो अलॉन्ग विद लिटिल एक्सरसाइज आई वुड से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थोड़ा जल्दी सो, थोड़ा जल्दी उठो, ये नहीं कि आप 2-3 बजे सो, 11-12 बजे उठो। जब ये होता है इट समवेयर अफेक्ट्स योर हेल्थ, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न कि रात हुई है सोने का टाइम है, लेकिन हमारे मुंबई में उल्टा होता है, रात मतलब ओ व्हाई यू स्लीपिंग एट 11 o'clock, 11 बजे चलो कॉफ़ी पे मिलते हैं, अभी हमारे मुंबई में ऐसा कल्चर है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्लीपिंग आवर्स एंड यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू ईट। ऑफकोर्स मन करता है कि हम जंक खाएं, मैं भी खाती हूँ, बट मोस्टली यू शुड ट्राई एंड ईट हेल्दी फूड। सो हेल्दी फूड, गुड स्लीप, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों से अच्छी हेल्थ बनती है। बिल्कुल, और खूबसूरत तो जब आदमी फिट होता है तो लगता है, लेकिन पहनावे भी जो उनको कैरी करता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, एक कह सकते हैं कि चार चौदहवीं का चांद अगर है तो उसमें चार चांद लगाने में काम आते हैं। ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग सेंस जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि ड्रेसिंग भी उसी तरीके से आप कैरी करती हैं जब फिटनेस की बात आती है, कैसे इसको अप्रोप्रिएट किया जाए, कैसे इसको सही किया जाए, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे सुधार सकते हैं, अगर ये बता पाए तो। मैं ये कहूँगी कि हमें खुद अपने स्टाइल के साथ, अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा देखने के लिए कि हमें क्या सूट कर रहा है। अगर हमारा कोई फेवरेट एक्टर है उन पे जो अच्छा लगता है, नॉट नेसेसरी कि मुझ पे भी वो अच्छा लगेगा, तो मुझे वो ट्राई एंड टेस्ट बहुत सारे बार करना पड़ेगा, फिर जाके मेहनत करके फिर पता चलेगा ओके ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक ऑल माई फैंस एंड व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं ब्लाइंडली, अगर जैसे आपने मुझे देखा है ड्रेस पहनते हुए, नॉट नेसेसरी आपको भी पहनना है, आप पे शायद कुछ और अच्छा लगे, सो यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ। ऑल्सो मैं ये कहूँगी कि मेकअप जो है, व्हेन आई जस्ट गो टू मीट माय फ्रेंड्स, मैं बहुत ही बेयर मिनिमम रखती हूँ, वो तो प्रोफेशन की वजह से हमें फाउंडेशन मेकअप ये सब ज़्यादा करना पड़ता है, बट अदरवाइज व्हेन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स मैं कोशिश करती हूँ कि वो एकदम मिनिमम रहे, जैसे काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, लिप ग्लॉस हो गया, दैट्स इट। I don't, so I would say that you look younger without the foundation and the makeup. आपकी skin better रहेगी because at the end of the day it is chemical. So खूबसूरत दिखने के चक्कर में don't put layers of foundation and layers of makeup on your face, because starting में आपको अच्छा लगेगा but eventually your skin will start speaking. बिल्कुल जिया, जैसे कि मैंने starting में ही कहा था कि आपने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि हर घर में जो है आज भी आपके लोगों के दिल जो है धड़कता है आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर पीछे ले जाता हूँ आपको,
ये करते वक्त क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक स्टार को बनने से पहले? अगर मैं बात करूं तो जिया, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री में? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना बहुत मुश्किल होता है जब तक कोई गॉडफादर ना हो। यस यस। तो इसको किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने कभी खुद पे गिव अप नहीं किया। बाकी दूसरे एक्टर्स की तरह भी मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, ऑलमोस्ट 2.5 साल 3 साल मैंने बहुत ऑडिशंस किए, एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम मैं एक शो फाइनलाइज करती थी, कुछ हो जाता था एंड वो स्क्रैप हो जाता था। तो एक पॉइंट पे मैं पहुंची जहाँ पे मुझे लगा मे बी दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग। बट देन जस्ट एक टाइम आता है जिधर आप सोचते हो चलो छोड़ो यार, मैंने तो अपना बेस्ट किया, नहीं हो रहा है, तभी जाके कुछ खुल जाता है। सो दैट इज़ वॉट साथिया डिड फॉर मी, आई वुड से। सो बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप ये कर सकोगे। एंड अबाउट माई एक्टिंग स्किल्स, मेरे को एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, ना ही मैंने कोई फॉर्मर एक्टिंग क्लासेस लिए थे। बट बस एक जुनून था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, एंड वॉट एवर इट इज़ मैं सीख लूँगी, आई वर्क हार्ड। बिकॉज कोई भी चीज़ हम पैदा होते ही सीख के नहीं आते। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, यू टेक इंटरेस्ट एंड यू वर्क हार्ड इन टू लर्निंग इट। सो दैट्स वॉट आई डिड, आई वर्क वेरी हार्ड और मैंने बहुत सारी एक्टिंग सीख ली। 2.5 साल जो मैंने ऑडिशंस किए, वो ऑडिशंस आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडिशंस, बिकॉज वो ऑडिशंस दे के आई गॉट माई कॉन्फिडेंस, एंड थोड़ा बहुत जो एक्टिंग का था वो भी मैंने ऑडिशंस में सीखना शुरू कर दिया था। सो दैट वाज माय लर्निंग प्लेस एक्चुअली, नॉट सम एक्टिंग क्लास। ऐसा नहीं लगता था कभी आपको कि जब आप कहीं ऑडिशन देने जा रही हो और वहां पर ट्रेंड एक्टर्स आते हैं तो तब कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रखना चाहिए? एक्चुअली मोर देन द ट्रेंड एक्टर्स थिंग, अभी कैसे होता है, राइट नाउ इट्स फार मोर प्रोफेशनल, कि आपको एक एक करके बुलाया जाता है, एक रूम होता है, कैमरा मैन होता है, एंड सिर्फ आप होते हो। जब मैंने शुरू किया था तब कैसा था कि एक लाइन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबके सामने बीच में खड़े होकर डायलॉग बोलना होता है, एंड आई हैव ऑलवेज इन माय पास्ट हैड फियर ऑफ यू नो कमिंग ऑन द स्टेज एंड टॉकिंग। मेरे में वो फियर हमेशा से था, जब मैंने शुरू किया था आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। सो मतलब मुझे ला के एक अनकम्फर्ट जोन में डाल दिया कि अरे अभी ऐसे ही करना है। एंड आई वुड से दैट जब भी मतलब मैं अपने दर्शकों को बोलूँगी, आप जो भी काम कर रहे हो, जब भी आपको लगे कि ये मेरा कम्फर्ट जोन नहीं है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कम्फर्ट जोन में कभी कोई ग्रोथ नहीं होती है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड डू वॉट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, जस्ट गो एड एंड डू इट एंड ब्रेक दैट थिंग, सो दैट यू डेवलप मोर इनर स्ट्रेंथ। सो दैट वॉज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी देन। सो मोर देन द ट्रेंड एक्टर्स, मैं बस वहाँ पर खड़ी रह के मैं काँप रही थी, मेरा हाथ पैर हिल रहा था, डायलॉग तो मैं ब्लैंक हो रही थी, पूरा पढ़ के आई थी फिर भी मैं ब्लैंक हो जाती थी। एंड इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग वेन देर वर फ्यू पीपल हुआ टेकिंग ऑडिशन, जो बोलते थे अरे क्या ये क्या कर रही है, तुमने लाइन पढ़ के नहीं आई है। बट वो लोग ये नहीं समझते कि समटाइम्स तुम लाइन पढ़ के आए हो बट यू आर नर्वस। सो दीज आर फ्यू ऑफ द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड। एंड मोर देन गेटिंग अफेक्टेड बाई द ट्रेंड पीपल, आई वुड से माई आई हैड दिस थिंग दैट यू नो पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री, इट गेट्स ईजियर फॉर देम। कई बार मैंने प्रोडक्शन हाउसेस को कॉल किए वेयर दे डिड नॉट अटेंड माय कॉल, ऑब्वियसली लाइक अ लॉट मोर अदर एक्टर्स, बिकॉज दे डू नॉट नो मी, व्हाई शुड दे एंटरटेन माय कॉल। सो वो कभी कभी थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग लगता था, बट मैंने सोचा कि ठीक है चलो ये पी लो, यू नो टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड ऑफकोर्स वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स होती है, वेयर यू इफ़ यू आर डूइंग वेल देर आर पीपल हु आर इन कॉम्पिटिटिवनेस कंपेरिजन एंड दे गेट इन टू अ स्पेस ऑफ जेलसी। बहुत कुछ हुआ है, मतलब मैं तो ये कहूँगी आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरी थिंग दैट्स हैपेंड, बिकॉज बहुत मेरे करियर की शुरुआत में ही इतना कुछ हो गया कि आई फील जिन लोगों को 10 साल में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तो मुझे पहले 3 साल में ही हो गया। तो ये इफेक्ट कैसे किया आपके करियर को लेकर, या पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसमें इफेक्ट कैसा? बहुत इफेक्ट हुआ इन टर्म्स दैट आई हैड दिस थिंग कि मैं लोगों को बहुत ईजिली ट्रस्ट करती थी। मैं सोचती थी सब हर एक कोई मेरा वेलविशरी है, एंड मैं बस बात मान लेती थी, मुझे पता, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि यू नो किसी का कुछ मोटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ विच दे आर टेलिंग मी व्हाट दे आर टेलिंग मी। सो दिस इज समथिंग आई लर्न टू नॉट ट्रस्ट पीपल एंड नॉट टेक पीपल ऑन फेस वैल्यू, एंड दैट आई शुड यूज़ माई इंटेलिजेंस एंड यू नो कीप माई सेल्फ गार्डेड इवन दो यू नो समबडी इज सेइंग समथिंग नाइस टू मी, बिकॉज यू नेवर नो किसका इंटेंशन क्या है इन सच अ कॉम्पिटिटिव स्पेस। So that's something I learned, and also professionally, because you're new, you don't know the rules and regulations. जैसे एक contract होता है, उसके terms condition होते हैं, हमें पता नहीं होता है क्या होना चाहिए, and
आई वुड से इवन इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड ऑल दैट पता नहीं था कि क्या कितने घंटे होना चाहिए, कितना घंटे काम करना चाहिए. सो बिकॉज आई डेंट नो ऑल दैट आई वॉज एक्चुअली अ लिटल लॉस्ट बट विद टाइम आई इवेंचुअली यू नो फिगर्ड थिंग्स एंड आई लर्न. सो देर वॉज नो बडी टू हेल्प बट आई थिंक इट्स गुड दैट इट वॉज दैट वे आई वेंट थ्रू इट द हार्ड वे एंड टूडे आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. जी एक चीज़ मैं हमेशा से देखता आया हूँ आपके अंदर, जब भी हम लोग इंटरव्यू इतने सालों से इंटरव्यू आपका कर रहे हैं, आप बहुत कूल और काम रहती हैं और मीडिया से भी जो है जब भी मुखातिब होती है एक स्माइल आपके चेहरे पर होती है. जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर जगह पॉलिटिक्स होती है वर्क एनवायरनमेंट में, जब आपने उसको झेला, आपने भी पॉलिटिक्स जो है झेली है. अभी हाल में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं कोई जो है अपने आप को फांसी लगा ले रहा है, वो नहीं झेल पा रहे हैं इस तरीके का जो क्रिटिसिज्म मिलता है, या वो इनको क्या कहेंगी आप और कैसे आप अपने आप को जो है वो संयम रखती हैं, कॉन्फिडेंट रखती हैं और काम ऐसे सिचुएशन में भी रखती हैं खुद को? आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि कुछ लोग मेरे लाइफ में ऐसे हैं जिनसे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है. यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में सब लोग कूल होने की बहुत कोशिश करते हैं दैट ओ मैं ड्रिंक कर रहा हूँ बिकॉज द ग्लास इन माई हैंड विल लुक नाइस, मैं स्मोक कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक कूल. तो ये कूल होने के चक्कर में लोग ये नहीं समझते कि इनर वेलबींग, इनर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें स्कूल में भी नहीं सिखाया गया था, एटलीस्ट इट वॉज नॉट टॉट टू मी इन माई स्कूल और माई कॉलेज. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि जैसे अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है हमें पता है कि गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाना है, लेकिन जब हमारा अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है हम किसके पास जाए? और एक बार जाके अपना रोना किसी के सामने रो सकते हो, बट ठीक है उस मिनट के लिए पास हो गया, बट दैट थिंग कम्स अगेन, हाउ डू यू डील विद दैट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारी जो इनर वेलबींग है वो बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर इनर हेल्थ है तो सब कुछ है. बाकी की जो बाहर की चीज़ें हैं, सक्सेस एंड फेम एंड जो लोग आते जाते रहते हैं, वो तो एक्सटर्नल थिंग्स इज समथिंग दैट्स नॉट इन आवर हैंड. जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट विद दैट वी हैव टू कीप आर वेलबींग एंड स्ट्रेंथ. सो आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट. मेडिटेट करना बहुत जरूरी है खुद को कूल एंड काम रखने के लिए. या बिकॉज मैं अपने दोस्तों के सामने भी अगर बात करूँ मेडिटेशन की, ओ कम ऑन यू आर सो बोरिंग, मेडिटेट कौन करता है? बट बहुत ज़रूरी है बिकॉज जिन्होंने मेडिटेट किया है उनको पता है कि मेडिटेशन से उनको क्या फ़ायदे हुए. दे फील दे डोंट हैव स्ट्रेस, दे डोंट हैव एन्जाइटी, दे डोंट फील लो. मतलब जितने बार वो पहले लो फील करते थे मेडिटेशन के बाद दे डोंट फील लो. यू नो रीडिंग समथिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी, knowing about consciousness is very important, you know, because we are all very busy watching movies and partying and all that. So I think you should invest on yourself. हमें समझना चाहिए कि हमारी strengths क्या है, weakness क्या है. Once we are aware of this, हम अपने आप को संभाल सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही अच्छे से नहीं जानते, we are too busy observing others. कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, खुद को तो एक बार देख लो, you know, because if you are not okay, Nothing else matters. बिल्कुल. yeah. वैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिया का जन्मदिन आ रहा है और जन्मदिन के मौके पर बहुत सारी इनको बधाइयाँ आते हैं. सोशल मीडिया की बात करी जाए, चिट्ठियों की बात की जाए, मेल्स की बात की जाए, या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर सोशल मीडिया की, जिया अभी तक का सबसे बढ़िया जो है, सबसे अच्छा गिफ्ट जब दिल से आपको खुशी मिली हो वो कौन सा होगा, अगर वो शेयर करना चाहें हमसे तो? आई थिंक हर साल जो मेरे फैंस मेरा बर्थडे स्पेशल करते हैं, इतना प्यार देके, इतना अटेंशन देके, समटाइम्स आई एक्चुअली थिंक मैंने ऐसा क्या किया है टू डिज़र्व सो मच अटेंशन एंड सो मच लव फ्रॉम माय फैंस. सो आई थिंक एवरी ईयर जो भी मेरे फैंस मिलके करते हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए स्पेशल है. मैं कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगी दैट ओ दिस वॉज मोर स्पेशल देन दैट. आई थिंक सिंस द टाइम आई एम इन द इंडस्ट्री माई फैंस हैव मेड इट वेरी वेरी स्पेशल. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. और अगर पर्सनली मैं करूँ, क्योंकि जो फैमिली जितने भी हैं आपकी, जब वो लोग जन्मदिन के मौके पर या आपके पेरेंट्स जो हैं वो लोग क्या मतलब आशीर्वाद तो देते ही होंगे, उसके साथ में आपको क्या? जी हम बात जन्मदिन की कर रहे थे, तो जब आप आम दिन से अगर बात की जाए तो कैसे अलग होता है आपके जन्मदिन का पूरा दिन, अगर आप बता पाएँ अपने व्यूअर्स को तो? आई थिंक हर जन्मदिन अलग होता है बिकॉज आई थिंक विथ एवरी ईयर दैट यू ग्रो आप ज़्यादा इवॉल्व होते हो, आप और मैच्योर होते हो.
जो चीज़ आपको लास्ट ईयर मैटर करी थी, यू नो इट डजेंट मैटर टू यू द नेक्स्ट ईयर. एक टाइम था व्हेन यू वांट टू लाइक रियली पार्टी एंड यू नो हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, और अब ऐसा लगता है ओ गुड आई एम हैप्पी विद माय लव्ड वंस एंड आई एम हैप्पी विद माय फैमिली. सो आई वुड से एवरी ईयर इट इज़ डिफरेंट. कभी भी मैंने एक सेम चीज़ फॉलो नहीं किया. जैसे बचपन में मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी टू गो एंड बाई रिटर्न गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रेन हु आर कमिंग फॉर माई पार्टी. सो नाउ ऑफकोर्स इट्स डिफरेंट. बचपन के दिन कितने याद आते हैं, क्योंकि जब आप लोग स्टार हो जाते हैं तब फिर आगे की जो लाइफ होती है बिजी हो जाती है, उतना वक्त नहीं दे पाते जिसको देना चाहते हैं. तो कितने दिन याद आते हैं वो बचपन की? कोई एक शरारत अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो बचपन की, इसके लिए कभी डांट पड़ी हो? ऑफकोर्स जब मैं स्कूल में थी, बारिश का सीजन था, हमारे स्कूल के बाहर एक ऐसा एक पॉन्ड जैसा था, वहाँ पे जो वाटर रैट्स होते हैं वो थे. अच्छा. तो कुछ लड़के कुछ तो कर रहे थे स्कूल के बाद, तो मैं क्यूरियोसिटी में जाके देखी क्या है. तो मैंने देखा एक थैली में पानी भर के वो वाटर रैट्स को कलेक्ट कर रहे थे जी. वो और वो जो रैट्स थे वो ज़मीन पे भी यू नो दे मैनेज एंड इवन इन द वाटर. सो मेरे को लगा अरे ये क्या कर रहे, मुझे भी करना है. तो मैंने बोला अरे मुझे भी करना है. अब मैंने भी वो किया और वो उठा के मैं स्कूल में लेके गई, बिकॉज मेरा एक क्लास था स्कूल में दैट टाइम. एंड वो मैं बस अपने साथ ही मैंने बैग में रखा था और बस मैंने छोड़ दिया नीचे जी. और फिर जो पूरे क्लास में धमाल हुई है वो रैट के वजह से, बिकॉज एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग अराउंड एंड फ्रीकिंग अराउंड एंड द टीचर आज किसने किया है, तो जी. कोई हाथ उठा ही नहीं रहा है, ना ही कोई मेरे तरफ उंगली उठा रहा है. पीपल वर सपोर्टिंग मी. तो टीचर ने मेरे वजह से पूरी क्लास को डांटा था. सो दिस इज समथिंग आई डोंट नो हाउ आई डिड इट. अभी अगर मैं अभी उस टाइम पे नहीं लगा, लेकिन अभी अगर मैं रैट देखूंगी आई थिंक इफ द रैट इज हियर आई विल बी समवेयर देयर. क्या बात है, मतलब बहुत शरारती थी बचपन में. या या आई वाज. लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं आजिया, वो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जन्मदिन की हम लोगों ने बात की, लाइफ की आपकी बात की, बात अगर किचन की करें तो आपको क्या बनाना आता है, और अगर 2 मिनट की कोई रेसिपी अगर हम या 2 मिनट से ज्यादा की रेसिपी आप बता पाए जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि सितारों को खाना ठीक से बनाना आता नहीं, वो शूटिंग अच्छे से करते हैं. नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाना बनाओ या नहीं बनाओ. आई थिंक यू शुड बी केपेबल इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ एंड वी ऑल शुड वर्क टूवर्ड्स इट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम. सो खाने की जैसे आपने बात की, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ एंड गाजर का हलवा इज़ समथिंग आई लव, और इसलिए मैंने वो सबसे पहले सीखा, मुझे गाजर का हलवा बनाना बहुत पसंद है. सो आई वुड से क्विकली आई टेल यू द रेसिपी. मतलब गाजर जो है स्क्रेप करके उसको हम कढ़ाई में डालते हैं और थोड़ा सा हम घी डालते हैं, और घी में हम उसे क्या बोलते हैं अच्छे से मिक्स मिला देते हैं एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड देन अंदाजे के हिसाब से कितना आपको स्वीट पसंद है अंदाजे के हिसाब से यू ऐड शुगर एंड देन यू मिक्स अप ऑल टुगेदर एंड स्लोली आप देखोगे कि जो मिल्क है वो गाजर ने पूरा सोक कर लिया एंड देयर योर गाजर का हलवा इज रेडी. क्या बात है. तो यानी देखिए आप अगर घर पर बैठे हैं आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा, क्योंकि देखिए जो रेसिपी अभी इस वक्त जिया ने बताई है वो सोचकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सितारे सिर्फ एक्टिंग ही अच्छी नहीं करते, वो खाना भी अच्छा बना सकते हैं. जिया बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू सो मच. और जिस तरीके से आपको प्यार मिला है लोगों का, आगे भी उतना ही प्यार हजारों लाखों दिनों का मिलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.